सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, ऊंची उपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गाबते उदरे सुनते उदरे, बिनसे पाप कनेरे, पशु परेत मुगद को तारे, पाहन पारी उतारे, नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारी, मोके उचरे सस तुर खाटा, पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखे बादरो सुने, जव काल कृपा करे, ज्यों बुलावे त्यों बुला स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संगत नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी, अगम अगोचर सच साहेब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा, वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पंजीवा, हो कृपाल स्वामी मेरे, संता संग बिहावे, तुदो पुले से जम जम मर दे, तिन कदे ना चूक न हावे, महला पंजीवा, सतगुर सिमरो अपना, घट अब घट घट घट, हर हर नाम जपन्ते आ, कोई ना बंद।
एहो पुन गुण गोविंद गाए, सब सहनो कृपाल संभाले साहे साहे। बिरथ कोई ना जाए, जे आवे तुद आहे। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जी बड़भागी हां, सतगुरां दी अपार बख्शिश हुई है सानू अमृत वेले, सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ करके साहब जी दी अमृत वाणी पढ़ना सुनना समझण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। सो आओ कुछ क समा अपनिया मनोबिरतियां नू एकाग्र करदे होए गुरु रहमत सदका सतगुरां दे पावन अस्थाना तो चल रही लड़ी बार गुरबाणी विचार दे नाल जुड़न दी खेचला करिए। जो पावन पवित्र शब्द जाप सरवण कीता है, जिस दी असां विचार करनी है, ये पावन जाप शहीदां दे सरताज सतगुरु धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह महाराज जीआं ने पावन पवित्र रसना द्वारा उचारण होया हुआ शब्द जाप है, जो कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दे पावन अंग नंबर 961 दे उपर राम कली की वार दे विच सशोभित है। साहिबा ने इस शब्द दे विच दो श्लोक एक पौड़ी की कृपा की है, जो आप सारा ही शब्द जाप सरवण किया है। सतगुरु जी कृपा करन, मत बुद्ध बख्शिश करन, विचार कर सकीए, कोशिश करिए साहब जिया की विचारधारा समझण दी, समझ करके हिरदे कर बसाइए, जीवन में लागू करिए, ताते जो सतगुरु जी रहमत करते ने, मेहर करते हैं, बख्शिश कर रहे हैं, खुशियां वरताते हैं, साढ़े भी हिरदे रूपी झोली में पै जाव, जिंदगी में आ जाव, असी भी आ मनुखा जन्म जो बडमुला जन्म सब वालों मिलिया इहदा लाहा लै सके। सरोह विचार सतगुरां ने इस शब्द विच पहले श्लोक विच मालक दे अगे बेनती कीती है, करनी सिखाली है सानू कि है भाई प्रभु परमात्मा दे चरणा विच अर्ज करी कि सच्चे पातशाह साडे ते अपनी कृपा बनाई रखियो। ऐ प्रभु जी तेरे प्यारियां दी संगत विच साडा ये जीवन साडी उम्र है जड़ी लंघनी करे, सच्चे पातशाह रहमत करियो। दूसरे श्लोक विच सतगुरां ने कृपा कीती है, सानू समझाया कि जिहड़ा प्रभु परमात्मा वाहिगुरू है भाई, वो औख सौख दे समय जे उन्हूं याद करे कोई भी जीव, सतगुरु जी रहमत करदे है औखी घड़ी विच, सतगुरु जी हाथ दे के डोलण तो बचाउंदे है, सतगुरु जी दुखां दे समय भी
इस मन नूं दुख नहीं लगन दिंदे। साहिबा रहमत कर रहे ने सानू समझाउंदे आ वी ऐ जीव परमात्मा दे चरणां नाल जुड़ के ओह तों रहमत मंगदा, क्योंकि दुख ते सुख संसार विच दो कपड़े वांग ने। पास आखना कीता दुख सुख दोए दार कपड़े, पहरे जाए मनुख मनुख भाव आजीव ही पहनदा है कि कपड़िया वांग, भी कदे दुख आ गया जिंदगी च कदे सुख आ गया। पर जड़े रब दे प्यारे आ जिन्हां ते कृपा हुंदी है उन्हां दा जीवन है जिहड़ा जिंदगी है वह एक लय विच आनंद विच चलदी है। दुख आउंदा तां वी कोई गल नहीं, सुख आउंदा तां वी कोई गल नहीं। जिहड़े असीं मालक नालों टुट जांदे आ असीं दुखां दे विच भी भाई उदास हुंदे आ, रोंदे कर लाउंदे हाँ, जदों सुख आ जांदे आ फिर भी हाल ऐसा ही हुंदा साडा। सुखां दे विच भी असीं सुख नहीं भोगदे, भाव के परमात्मा नालों टुट करके पता नहीं जीवन कैसा कैसा किवें बखेरियां विच पै जांदा। पर जिन्हां ते रहमत है वह सुख ते दुख नूं इक समान जाणदे होए अपना जिहड़ा जीवन जिंदगी है एक लय विच कह लीए बसर करदे आ। असल विच मनुखी उहनूं आख्या साहिब जी आ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਸੁੱਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰ ਕਿਹੜਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਖ ਬਣਾਵੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ, ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਐਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਬਾਲਪਣ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਹੀਰੇ ਜੜਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਜਿੱਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਧਰੇ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਜੋ ਸੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਨੇਹ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ। ਸਨੇਹ ਸਨੇਹ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਕਿ ਨਾ,
ये तेरे प्यारियां नाल जुड़ करके गुण गाउंदियां दा लंघ जावे। सच्चे पातशाह ये ज्ञान तुहाडे तो ही मिलिया भी जे असी तुहाडे गुण ना गाई आ जीवन विच। सच्चे पातशाह जेकर इस जीवन विच असी सच्ची संगत ना कीती रब दे प्यारियां दी तां फिर जन्म मरण दा गेट फिर चलदा, पहला भी चलता आ रहा, अगे भी फिर मिटेगा नहीं। इस करके पातशाह ने पहले श्लोक में सानू सिक्ख्या दिती है, समझाया। दूसरे श्लोक में पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरु की रहमत का वर्णन किया और पौड़ी में जाके उस वाहिगुरु की उस्तत की है। तत् आओ आप विस्तार ना जाइए, साहबा पहले श्लोक में जो मेहर की आप समझ की कोशिश करिए जी। हो कृपाल स्वामी मेरे संता संग बिहावे, तो दो बोले से जम जम मर दे, तिन कदे ना चूकन हावे। प्रभु परमात्मा दे चरणा विच बेनती करदे आ साहिबा सानू उत्तम पुरख की बाणी विच समझाउंदे आ भी ऐ प्यारियो सुनन वालियो पढ़न वालियो सतसंगी जीवो, अपने प्रभु परमात्मा दे चरणा विच अर्ज करिए। की अर्ज है भी ऐ मेरे पासा हो कृपाल स्वामी मेरे, ऐ मेरे मालिक जी साडे ते कृपा करो, तुसी कृपालू दयालू हो, रहमत करो। की रहमत मंगी है? संतां संग बिहाव, आ साडा जीवन है कि ना संतां दे संग लग के लंघे, रब दे प्यारियां नाल जुड़ करके ये जीवन बतीत होवे। सच्चे पातशाह असा सुनिया भी जिहड़े तेनू भुल जांदे है मालक जी, जिन्हां ने तेनू विसार दिता, क्योंकि आपां इह पढ़दे आ परमेश्वर ते भुल्ले आ व्यापण सभे रोग, जिहड़े मालक नूं भुल जांदे आ ना उन्हां नूं सारे ही रोग आ चिंबड़दे आ। किहड़े रोग? एक तां तन दे शरीर दे रोग आ, इन्हां दी दवाई बनी हुई है, मैडिसन लैने आपां। ते गुरु प्यारो एक मन है, मन रोगी है जिहदा मन नूं रोग बेअंत लगे हुए ने, बड़े रोग लगे हुए ने, इहनूं विसे बकारां दी बहबतां दी होर बेअंत आसा वासना तृष्णावा ये रोग ने सारी, बड़े 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 रोग, हौमे दे रोग नूं बहुता लंबे समय का रोग दस्या, तृष्णा नूं भी जिहड़ा तृष्णालू है, तृष्णा भी आपां नित्ती पढ़दे आं पा सकने, तृष्णा वड्डा रोग लगा, कहने नूं तृष्णा वाला बहुत वड्डा रोग लग्या है। इदां ही ये रोग ने सारे मन दे। पातशाह कहिंदे आ भी पातशाह ऐ परमात्मा जी जिहड़ा तेनूं भुल जांदा ना उहनूं तां ये सारी रोग लग जांदे आ, सारी सारियां बहबतां आ वड़दियां ने उहदे च, सारी मन फिर ऐसा भाव कि त्रिप त्रिप करदा रहिंदा है, हर समय करलाउंदा रहिंदा है, बेचैना जिहनूं आपां कहिंदे सिद्धे तौर ते भी चैन नहीं आउंदी, शांति नहीं है। इस करके पातशाह अगे चरणा च मंग है, ये सानू समझाउंदे आ भी मंग मंग प्यारिया भी सच्चे पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरु जी ये साडे ते कृपा करियो, साडी जिहड़ी आ जिंदगी है कि ना तेरे प्यार विच लंघे, तेरे प्यारिया नाल जुड़ के लंघे। सच्चे पातशाह जिहड़े तैनू भुल जांदे आ ना पातशाह दा होर भी आपां वचन पढ़दे हां, खसम बिसार किए रस भोग, मालक नूं छड करके कहना बिसार के भुल के जिन्ने भी कोई भोग करदा है, भोग जिन्ने भी कोई आनंद भावें कह लिए असी माणदे हाँ, पर पातशाह की कहिंदे खसम बिसार किए तन भोग रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। पातशाह कहिंदे फिर सारे इन्हां भोगां दे विच्चों असीं कहिंदे भी आनंद माणदे आ जी, बड़ा आह कुछ कर लिया जी कर लिया, बड़े तां इत्थों ताईं भी कहिंदे आ भई इह तां भाई तुसीं संगत करदे सी तुहानूं की मिलिया सी, तां आह देखो आनंद माणदे आ जी, वो बड़ा कुछ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਇਆ ਪਿਆ। ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ ਮੂਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਭੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਖਾਧਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੈਰ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਦਿਸਦਾ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਸਮ ਵਿਸ਼ਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਭੋਲੇ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੋਗ ਜੀ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੀਏ, ਆਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਪਤਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਵੈਦ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ ਸੂਕਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ ਕਾਟਾ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਇਹੀ ਵੈਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੈਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿੰਨਾ, ਆਹ ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਦੋਂ ਭੁੱਲੇ ਸੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਹਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹੌਂਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦੀ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਵੀ ਹੌਂਕੇ ਲੈਣੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੌਂਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਦੋਂ ਭੁੱਲੇ ਸੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰਦੇ, ਤਿੰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਹਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ। ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਆਪਣਾ ਘਟ ਆਬ ਘਟ ਘਟ ਘਾਟ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਨ ਤਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧ ਬਾਟ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ
कोई नौकर नौकरी करता है जिहड़ा तां मालक नूं याद रखता है वह सही तरीके नाल अपने फर्ज अदा करता है ते जिहड़ा मालक नूं बसार दिंदा है भी मैं किहदे लैण दा मैनू किसे की कहना वह गुरु प्यारिओ घाटे खा जांदे आ। इउं ही असीं भी आप इधर नूं लाइए भी साडा मालक सतगुरु है सी सतगुरु दे सिख हाँ जे असीं सतगुरां नूं याद रखदे हाँ भाई भी साडे सतगुरां दा ये उपदेश है सानूं भी सिख ने आ कर्म करने ने फिर तो वाहवा चंगी गल है सतगुरु दीआं खुशियां ने। पर जे असीं सतगुरु नूं नमस्कार कर ली है उदा सिख हाँ तो सिक्ख्या तो कोई नहीं चलना भी खैर सतगुरु किहड़ा वेखदा सानूं भी सतगुरु तो गुरु घर ही है इतों तीन बहुत तात गिणती है साड़ी भी इतने तक असी गुरु समझिया होया भी सतगुरु जी पर साहबा सानू कहन दिया भी जिहड़ा साहब है तेरा प्यारिया ऐ गुरसिखा वह इतना बड़ा है हर एक थां ते तेरे नाल है क्योंकि सतगुर प्यारा मेरे नाल है वह सदा ही नाल है। जिहड़े रब दे प्यारे ने वह कहने भी साहब साडा नाल ही है भी शब्द करके नाल क्योंकि साडा गुरु शब्द है शब्द गुरु सुरत तो नचेला पातशाह ने आखना किया भी सुरती करके असी मालक नाल जुड़ के चलना शब्द नू अपनी सुरत दे विच बसाउणा है समझो कि असी गुरु ते चेला एक मिका क्योंकि आपां इह पढ़दे हां भी दस जामिआं विच वरत के साहिबां ने आखर विच जा के 1699 की साखी का विसाखी का इतिहास आप पढ़ते हैं आ रहा मूहरे विसाख विसाखी वाला दिन जिदे सतगुरां ने एक कृपा की गुरु चेला ते भाव के सिख ते गुरु एकमिक हो गए ने जदों जो आप वचन पढ़ते हैं वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला भी चेला भी आप ही है ते गुरु भी आप है भाव की एकमिक हो गए भेद भाव ही मिटा दिता पातशाह ने इथों तक प्यार दे दिता सतगुरां ने तो भी खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हों करो निवास कहने भाई साडा खालसे दे विच ही वासा इतिहास पढ़दे हाँ किसे समय सवाल किया भाई मनी सिंह हुणां गुरु प्यारे गुरसिखा ने पातशाह नूं कीता सी सवाल भी सच्चे पातशाह जदों नदेड़ दी धरती ते गुरसिखा नूं साहब ने कह दिता सी भाई अज तो बाद तुसीं शब्द गुरु दे लड़ लगना शब्द गुरु की अगवाई विच चलना है ते खालसे ने आखना कीता सी भी सच्चे पातशाह शब्द गुरु तो ठीक है शब्द लाड़ी लगे आ रहे हैं तुहाडी रहमत है पर सच्चे पातशाह साडी अगवाई कौन करेगा जे तुहाडे दर्शन करने होण सच्चे पातशाह किवें होणगे जदों इह सवाल कीते ता गुरु पातशाह ने आखना कीता सी ऐ प्यारिओ असी खालसे नूं अपना रूप दिता पंज सिंह साहिबान चढ़दी कला वाले शस्त्रधारी होण ते उन्हां दे दीदार कर लिओ उन्हां विचों साडे दीदार तुहानूं होणगे ते अगों सवाल करता भी पातशाह समां वेखो अपना किहो जिहा लंघिया है इह सिक्खी नाल इह सरूप दे नाल बड़े बैर खा रहे ने अज भी गुरु प्यारे आपां वेखदे आ जद तों सिख कौम पैदा हुई है पातशाह ने रहमत कीती है तद तों लै के ही इहदे नाल बड़े खार खांदे आ रहे आ दुनिया विच खालसे दी सोभा नूं चढ़दी कला नूं कोई जर नहीं रहा जद तों लै के आही कुछ हुंदा आ रहा अज भी हो रहा ते पातशाह नूं आखणा कीता सी पातशाह जी किहो जे समय लंघे ने किदां किदां आपां समां गुजारिया जे आनंदपुरी तों बाद जदों छड्डिया उदों बाद इतिहास आपां पढ़दे आं कैसा तीन हिस्सों में गुरु का परिवार वंडिया गया तीन हिस्सों में ते फिर उदां भी सिंह किधरे कोई किधरे इदां लंघिया समां ते पातशाह नूं आखणा कीता साहिबा जेकर पंज सिंह ना मिलन फिर की होवेगा पातशाह कहने कोई गल नहीं प्यारे
एक सिखी ही होवे सिखिया ते चलन वाला शस्त्रधारी उहदे दीदार कर लियो तुहानू मेरे दीदार हो जाणगे। ते पातशाह नूं फिर सवाल कीता, पातशाह एक दी गल कर दिओ इत्थे दा, कल मकल्ले भी रहण नूं समां मिलिया, अगे भी पता नहीं कैसा समां आएगा। आया भी आपां वेखिया जंगलां बीआं बाणां दे विच सिखां ने समें लंघाए ने, घोड़ियां दीआं काठियां ते सौ सौ के गुरु प्यारियो समां लंघाया रह रह के। ते पातशाह नूं जदों सवाल कीता सी, रहो विचार आपां इतिहास सुणदे रहिंदे आ, समां इजाजत नहीं दिंदा। पातशाह नूं आख्या भी सच्चे पातशाह जे किते ऐसा समा आ जावे एक भी शरीर ना मिले ते फिर तुहाडे दीदारे करन नूं मन करे किवें होणगे। ते पातशाह ने आखणा कीता सी, आ प्यारिओ अपना चेहरा मोहरा संवार के शस्त्र पा के दस्तारा बद के कहिंदे दर्पण अगे खलो जिओ, भाव शीशे विच अपना चेहरा मोहरा वेखियो, प्यार विच तुहानू साडे दीदार होणगे अपने आप च ही। भाव की भी खालसे नूं मेरे पातशाह ने सब कुछ सौंप दिता, खालसे नूं ही, भाव के अपने आप नूं स्वैमानता विच रखना, चढ़दी कला विच रखना, अपने अंग संगी अपने विच ही गुरु नूं दर्शन करने। ये बाजां वाले ने रहमत कीती है भी कितें कला ना सिख अपने आप नूं जाने। ते हुण तां बेअंत भाव के साडी ऐसी दुर्दशा हो गई, कह लई आपां माफ करना बिरलिया नूं छड के, ते असीं तां गुरु भावें सामने आ तां नहीं असीं कुछ जाणदे अपने आप विचों, तां की उदां भाव के असीं तां अगे साडे सामने होवे तां करके भी साडा उह प्यार नहीं, उह भाव नहीं साडे अंदर, उह प्रेम नहीं साडे अंदर। ते सतगुरां ने यह रहमत कीती, आख्या भी गुरसिखा तेरे मैं अंग संग हाँ, तेरे नाल ही हाँ, इतों तक भी तेनू अपना मैं चेहरा मोहरा रूप दे दिता। प्रैक्टिकल रूप दे विच भी गुरु प्यारियो जदों चमकौर साहब तो सतगुरु जी चले है अपना कलंगी जिगा भाई संगत सिंह दे उपर सजा के तुरे है, अपना चेहरा मूहरा कह दिए उत्थे, फिर दूसरी बार फिर अपने सिख नूं बख्शिश कीता। पहला आनंदपुरी दे विच जदों भाई सतगुरां ने आ विसाखी वाले दिन 1699 नूं अमृत दा बाटा तैयार कीता, गुरसिखां नूं सिखाया, ते उहदे बाद विच आप भी मंग कीती सी गुरु प्यारे, भाव के उत्थे गुरु ते चेला एकमिक होए ने। इस करके साहबां ने आखणा कीता भी आ गुरसिखा अपने साहब नूं सदीवी ध्यान विच रखी क्योंकि उहने तैनूं रूप दे दिता, परमात्मा की कृपा हुई, गुरसिख नूं सतगुरां ने अपना स्वरूप दिता। ते हुण सतगुरु नूं असीं सिमरना किवें आ, याद किवें करना, कोशिश करनी असीं भी गुरु वाले गुण साडे विच वरतण, असी उन्हां गुणा दे धारनी हो के उन्हां गुणा दे मुतलक जिउणा सिखीए, सतगुरु की रहमत होवे। असल तां इही हुंदा कि ना वेखणी पाखणी, इह थोड़ी आ भी सारिआं दे चेहरे इक्को जिहे होणगे, गुरु जैसे ही होणगे जे आपां उही फेस लभदे फिरीए, इउं नहीं, गुणा दे नाल भाव के परख कीती जांदी है। आम ही संसार विच आपां किसे दीआं हरकतां वेख के कह दिंदे आ भी फलाणे वर्गीआं हरकतां ने भाईए दीआं, ये तो फलाने जैसे दा सुभा है, फलाने वाले ये दे विच गुण नहीं, भाव के गुणा दे कारण झलक पैंदी है। तो जिहड़े सच्चे गुरसिख ने भाई, गुरसिखां दे अंदरों सतगुरु की झलक पैंदी है भी हाँ भी आ गुरसिख है भाई, जिहड़ा माण मर्यादा विच चलदा है, ये है गुरु का सिख जो गुरु के बचना दे मतलक चल रहा है। ते भाव के साहबां ने आखणा कीता, गुरु अर्जन देव महाराज इत्थे कह रहे ने, सतगुर सिमरो अपना, अपने सतगुरु दा भाई सिमरन करो। सिमर दा भाव की है, याद करना, यही थोड़ी आ कि सतगुरां ने सानू गुरु मंत्र दे दिता वाहिगुरु जाप भी असीं सिमरदे हाँ जी, कह लिए भी वाहिगुरु सिमरदे हाँ असीं, यह सिमरना ठीक है भी, जाप जपना चंगी गल है क्योंकि इस जाप के दुबारा ही अंदरों विषय विकार होमे हंकार खत्म होंदे है। पर साहब असल विच सिमरन दा भाव दा याद करना, याद की करना, बई गुरु साहब दे गुणा नूं याद करना,
गुरु नूं हमेशा अंग संग समझना। ते पातशाह ते कहिंदा जिहड़ा भाई अपने गुरु नूं इस तरीके नाल सिमरदा है, वचन तां आपां वी पढ़दे साहिब जीआं दे वी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मटावो, सिमरो जाश विशंबर एक है, नाम जापत अगणत अनेक है, वेद प्राण सिमरत सुधाखर, कीने राम नाम एक आखर। इत्थे आ के पातशाह कहिंदे किनका एक जिस जीव सब है, किनका मात्र भी किते इहो जिहा सिमरन अंदर बस जावे, एक अद्धा गुण भी किते सतगुरां दा साडे जीवन विच आ जावे, किनका मात्र किनका एक जस जीव शाबै। पातशाह कहिंदे ताकि महिमा गनी ना आवै, ओदी महिमा वडियाई माण गिणती विच नहीं, फिर अणगिणत कृपा हुंदी है पातशाह दी। इसे करके सो साहिबां ने आखणा कीता है भी इस तरीके नाल गुरु क्या प्यारिया अपने साहिब नूं सिमरिया कर, सिमरन आ कर। पातशाह कहिंदे सिमरो सतगुर अपना, फिर की हुंदा पातशाह कहिंदे घट अब घट घट घाट। पातशाह कहिंदे ने भाई भावें कोई घाटी ऊच नीच हीम अकीम हुंदा होवे, भाव की है भावें दुख है सुख है, भावें कितें मर्जी चल रहा जा रहा है, ते पातशाह नूं इदां सिमरना है। ये सिमरन दा विधि भी सतगुरां ने दसी, आपां पढ़दे हाँ, उठत बैठत सोबत ध्याई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है। इउं गाउणा मालक नूं, इउं याद रखना भी उठद्या भी बहद्या भी मार्ग ते चलद्या भी, भाव के सौण लग्या भी याद करना, याद भाव सिमरन विच अपनी चेते विच रखना, भुलाउणा नहीं मालक नूं। इस करके पातशाह ने आखना किया हर हर नाम जपन त्या जड़ा इं जपद। पातशाह कहने कोई ना बंदा बाट, कहने किसी भी बाट विच किसी भी रास्ते विच कोई घाट नहीं आती, कोई औकड़ नहीं आती। पातशाह कहिंदा वह सुरखरू होकर सुतंत्र होकर अपना जीवन बसर करता, अपनी जिंदगी लगाउंदा, किसी प्रकार का भी उन्हें कितने घाटा नहीं आता। पर होवे ऐसा गुरसिख जो सतगुरु जी सानू दस रहे, जो साहबा ने कंडीशनां लाइया वह पूरियां करता हो, जो माण मर्यादा दिती है उहदे विच चलदा होवे। पातशाह कहिंदे फिर यह गरंटी लैंदे असीं भाई, सतगुरु जी गरंटी लैंदे आ भी कितें भी कोई अड़चण नहीं आएगी, पर साढ़े जीवन में बड़ियां आ रही ने, क्यों आदियां ने भी खैर असी ये माण मर्यादा नूं समझे नहीं हाँ, असी गुरु साहब के बचना नूं जानना नहीं किया, असी इस तरीके नाल मालक का सिमरन नहीं किया, इस कारण करके सानू घाट वध आ रही है। तो सतगुरु तो ऐसी कृपा करते ने, पौड़ी विच दस रहे ने साहब, पौड़ी वैसे आप रोजाना ही सोदर पढ़ते भी हाँ, जो पौड़ी में रहमत करते हैं सतगुरु जी उस मालिक के गुण दसते हैं, जेडे मालिक नूं सदीवी ध्यान लई सानू कह रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, वह एडी समर्था का मालिक है सानू दसद। पौड़ी में साहबा आओ आप प्यार समझिए, तिथ तो समर्थ जिथ कोई नाई, उथ तेरी रख अग्नि उदर माहे। पासा कहने तिथ तू समर्थ, ये बड़प्पन दस दिया उस वाहिगुरु का उस प्यारे का, भैया प्यारियो वो मालिक उत्थे भी अपनी समर्था रखता, ताकत रखता, जिथे किसी की भी ताकत नहीं चलती, जिथे किसी का हाथ नहीं पैंदा उत्थे तक उहदा हाथ जांदा, जिथे कोई पहुँच नहीं सकता उत्थे तक उहदी पहुँच है, जिथे कोई कुछ भी नहीं कर सकता वह सब कुछ कर सकता। पातशाह कहने तिथे तू समर्थ जिथे कोई नहीं, ते अगे पातशाह कहने उथे तेरी रख, ऐ मेरे वाहिगुरु तेरी रखिया उथे तक है, अग्नि उधर माई जिथे अग्नि अगना कोई जा नहीं सकता, उधर दे विच भी अगन उधर विच भी वह मेरा मालिक बचाउंदा है। मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे तह तुम राखण हारे, पावक सागर अथा लहर मैं तारो तारण हारे।
ये वचन में सब कह रहे ने अरदास करते हुए भी मेरे पातशाह तुसी माता दे उदर दे विच पेट दे विच अग्न तो बचाया। जठर अग्न कहिंदे आ भी साढ़े पेट विच है जिहड़ी अग्न दे नाल जो कुछ भी असी अंदर पाउने आ भस्म होई जांदा सब कुछ सब कुछ उस अग्न दे नाल। पर उस ही पेट दे विच इह जीव पैदा हुंदा इह पल रहा है इहनूं भोरा आंच नहीं आ रही सेक नहीं लग रहा क्यों नहीं लगता ये सतगुरु जी कह रहे ने सानू भी उत्थे भाई मालिक ने सिमरन दे के रखिया हुआ मालिक की याद विच है जीव बैठा। पर जे ओही याद साड़ी बाहरी तौर पर भी संसार विच ओदां दी बन जे जिवें लिब लगी हुई है अंदर पर लिब गुरु प्यारे ज्यों ही जन्म हुंदा ते इहदी लिब छुट के जांदी है। ये आपां बचन पढ़दे आ रोजाना ही आनंद साहब की बाड़ी दे विच पातशाह ने समझाया सानू भी जिहो जी अग भाई पेट विच है आ संसार विच भी है पर वेखण नू उहदा फर्क लगदा वह अगन जठर अगन अंदर है जिहड़ी बाहरी कि अग है बाड़ी इत्थे माया की अग है मोह माया ममता हंकार आदि जिहड़े भी विकार ने वह सारी अग्नि है। पातशाह ने इको ही ना लेता माया माया ये पौड़ में समझाया भी माया होंगी की है पैसा ही माया नहीं है असी तो सिर्फ पैसे नू माया समझा बड़ी बार ये आपां बचन सांझे कीते आ पर गुरु पातशाह जी गुरु अमरदास साहब कह रहे ने सानू समझाउंदे एक पौड़ी में सारा खुलासा किया आनंद साहब की बाणी जिहड़ी रोजाना पढ़ते हैं आपां उहदे विच साहिबा कह रहे ने जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया जिवें कहिंदे उधर उधर पेट नू कहिंदे आ पेट विच अगन है उहो जिही बाहरे माया की अगन है। पातशाह कहिंदे माया अगन सब इको जिही करता खेल रचाया ये मेरे वाहिगुरु ने करते पुरख ने इहो जिहा एक खेल रचा दिता भी अगन वेख भाई अंदर वह अगन ते बाहरी आ अगन है। पातशाह कहिंदे करते खेल रचाया जात इस भाणा ता जम्मिया जदों मार्ग का भाणा होया कना ता जन्म हो गया साडा जन्म तो बाद की हुंदा पातशाह कहिंदे जात इस भाणा ता जम्मिया परिवार भला पाया सारा परिवार बधाइयां दिंदा खुशियां मनाउंदा भी बच्चे ने जन्म लिया जात इस भाणा ता जम्मिया परिवार भला पाया पर होया की जिन्हें जन्म लिया उहदे नाल की वरत्या। पातशाह कहिंदे लिब सुड़की लगी तृष्णा माया अमर बरताया कहिंदे उहदी तां लिब सुड़क गई है। सतपुरश क्या करदे कहिंदे जदों बच्चा भाई जन्म लैंदा है वह रोंदा है करलाउंदा है उहदा कारण इको ही है कहिंदे भई जो उहनूं अंदर आनंद आउंदा हुंदा माता दे पेट विच परमात्मा दे नाम दा रस माण रिहा लिब लगी हुई आ कहिंदे उहदा आनंद सुट जांदा वह आनंद नूं लभदा है वह मिलता नहीं तो फिर रोंदा भी किधर गया आनंद भी आ की भाणा वापर गया मेरे नाल भी इन्ना शांतमई तरीके मैं आ किधरों सेक लगन लग गया आ कैसे अस्थान ते पहुँच गया कहिंदे तार हुंदा है। पर असी इन्हां गल्लां नूं सोचते समझते नहीं हाँ साडे ये सोच मंडल विच नहीं आ रही पर सतपुरश समझाउंदे है भी तो यही कारण हुंदा लिब सुड़क गई है ते उत्थे लिब लगी सी कहिंदे उहनूं सेक कोई नहीं सी लगदा शांत सी ते इत्थे लिब सुड़क गई है टुट गई मालक नाल उह तार ते इहनूं फिर सेक लगना शुरू हो गया फिर अंदर चिंता शुरू हो गई है। पातशाह कहिंदे ने भई आ हाल होया लिब सुड़की लगी तृष्णा माया अमर बरताया माया ने कहिंदे अमर अपना भाव ताकत बरता दित्ती है माया अमर बरताया ये माया ते हुण इत्थे दस दिया पातशाह कहिंदे आ माया हुंदी है भाई केड़ी माया ये माया जित हर बिसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया कहिंदे ये माया हुंदी है भाई जिन्हों पा के बंदा मोह माया ममता विच पै जे ते साहब कहिंदे एक नूं छड के दूजे पासे लग जावे मोह पजे भाव दूजे लाया भी दूजे पासे लग गया प्रेम होर पन्ने पै गया पातशाह कहिंदे बस यही माया है ये माया जे तार विसरे मोह पजे भाव दूजा लाया
कहे नानक जिन्ना लिब लागी तिने बिचे माया पाया, पर जिन्ना दी लिब लगी रह गई, जिन्हां ने संगत कीती साहिबा दी, जिन्हां ते सतगुरु की कृपा हो गई, ते कहिंदे ओह ऐसे माया दे विच वी उस परमात्मा नूं पा लैंदे आ, संसार दे आनंद माणदे होए भी प्यारे नूं पा लैंदे आ। पर जिन्हां ते कृपा ना होई, जिन्हां ने संगत ना कीती, जिन्हां ने लिब जोड़न की कोशिश ना कीती, ते पासा कहिंदे ओह भाई फिर अशांत हो के इस संसार विच तुरे फिरदे आ, उन्हां नूं थां थां ते अटकना ने। पर जिन्हां ने लिब ला ली अपनी, हर हर नाम जपंतिया, जिन्हां ने जपना किया, पासा कहिंदे कोई ना बंधे बाट, उन्हां नूं किते कोई अड़चण नहीं, कोई घाट नहीं है, कोई उन्हां नूं बंध नहीं सकता, वो रोक नहीं सकता। इसे करके पासा ने यह सानू समझाना किया है बई भाई उत्थे तेरी रख अग्नि उधर माहे, माता दे उधर दे विच उत्थे भी वो रखिया करदा जिथे कोई नहीं कर सकता। ऐसी अग्नि विच जिते कोई सेक तो बचा नहीं सकता, उत्थे भी बारी भी इतिहास है, पट्ठा साहब का इतिहास आपां पढ़दे आ गुरु प्यारिओ, उत्थे भी तपते भट्ठे दे विच भी आपां इतिहास पढ़दे आ भी रब दे प्यारे गए ते उत्थों भोरा तपस नहीं लगी, जिथे रब दा परमात्मा दा सतगुरां दा मेहर भरिया हथ होवे, याद होवे अंदर, ते कोई भाव के सेक नहीं लगता। भगत का भी, भगत प्रहलाद जी की भी आप गाथा पढ़ते हैं, हुण इतिहास वल जाण दा समा नहीं है। ताते आओ गुरु प्यारियो, सतगुरु जी ये रहमत करदे आ सानू समझाउंदे ने भी आ प्यारिया उस मालिक नाल जुड़ना कर, उहदे विच ताकत है। सुन के जम के दूत नाए तेरे, सड जाए भाव जल बिखम असगाओ, गुर सबदी पार पाए। पासा कहिंदे जे उहदी जात विच कोई जुड़दा है ना, नाम जपदा, उहदे नाम नूं सुन के जम दूत ने जिहड़े ओह सड जांदे आ। दूत दुखां नूं कहा गया, जम दा भाव है जज्जा जन्म ते मम्मा मरण, भाव के जन्म तो लै के मौत तक जिहड़े जिंद दे दुख लगे होए ने, विशे बकारां वाले ये सारी खत्म हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। पासा कहिंदे भवजल बिकम सगाओ, गुर सबदी पार पाए। आ जिहड़ा भवजल है ना तरिया जाण वाला, बिकम बिखड़ा पिंड संसार वाला, पासा कहिंदे ये गुरु के शब्द दुबारा भाई पार पाया जाता, ये विचों सौखे तरीके लंघिया जाता, सोहना जीवन लंघदा। ते पासा कहिंदे ने ये जिहड़ा नाम है भाई सच्चा नाम, इहनू हर एक नहीं पाउंदा, ये जिते रहमत हुंदी है उही इहनू पाउंदा। जिहनू इस नाम की प्यासा लगती है, अंदरों लालसा उठती है, उहनां ते ये कृपा हुंदी है। पासा कह रहे ने जिन को लगी प्यास अमृत से खाए, कलमा एहो पुन गुण गोबिंद गाए। पासा कहिंदे जिन को लगी प्यास, जिन्हां नूं प्यासा लगी है, अमृत से खाए, वह भाई इस अमृत नूं सकदे है, अमृत रूपी नाम नूं सकना। अमृत गुरु प्यारियो इत्थे नाम की गल चलती है, पर अमृत प्रथाए साहबा ने बड़े वचन किए आ, भोजन नूं भी अमृत आखना किया, दुध नूं भी अमृत आखना किया है, तो खंडे वाटे का भी अमृत है, मालिक का नाम सिमरन बाणी भी अमृत है। पर करण मतालक साहब ने सानू समझाउणा किया, भाव के अमृत वह हुंदा जिहड़ा साडी जिंद नूं बदल देवे, सोहना जीवन बना देवे, जिहड़ा मौत का डर खौफ खत्म कर देवे, जिहड़ा भाई मिट्टी हुई ताकत नूं दुबारे प्रबल कर देवे, उहनूं अमृत कहा जांदा है। अमृत पातशाह ने बचन आपां कुछ पढ़ते हाँ बाणी विच्चों, आपां इह भोजन प्रथा भी पढ़ते हाँ, हर नाम हमारा भोजन सत्ती प्रकार, इहनूं पातशाह ने आखणा कीता, भोजन साडे लई अमृत है, अमृत नाम भोजन नित पहुँचो, अमृत रूपी नाम भोजन है साडा। ते भाई दुध नूं भी पातशाह ने आखणा कीता, पशु मिले चंगियाईआं खड़ खाए अमृत दे, कहिंदे फोकट पका पदार्थ खा के अमृत दिंदे ने, दुध दिंदे आ, भाव के ऐसे पशुआं नूं भी चंगियाईआं मालक ने दित्तियां भी आ चंगे गुण दस्सिया भी उन्हां च भी आ चंगे गुण हन, भाव के अमृत पाणी नूं भी कहा जांदा है, अमृत बाणी नूं भी आख्या आपां पढ़दे आ, अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत नाम नूं भी आखणा कीता, अमृत नाम निधान है, बेअंत वचन ने
पर पातशाह ने यह कृपा की है भाई जिन्होंने प्यासा लगती है वह सच अमृत न सकते है जेडे अमृत न सकते है तो पातशाह कहते ने उन्होंने ये संसार विच बड़े पुन मिलते हैं अमृत छकण दे अमृत नाल जुड़न दे अमृत नू जपण दे पातशाह कहिंदे कल मैं इहो पुन गुण गोबिंद गाए ये इस समय का बड़ा पुन है कल कलयुग के भी अर्थ किए जाते हैं वैसे कल समय नू भी कहा जाता है तो पातशाह कहिंदे आ भाई ये समय विच जिहड़ा भी भाई मालिक दे गुण गाउंदा है तो उन्हूं बड़ा पुन लगता है बड़ा पुन इस करके पातशाह अगे कृपा करते हम विस्तार ना जाइए आखिर साहब रहमत करते ने सब सहनो कृपाल संभाल साहे साहे बिरथा कोई ना जाए जे आवै तुद आहे पातशाह कहने सब सहनो कृपाल संभाले साहे साहे हरेक सवास सवास के नाल सारिया नू ओ कृपालू वाहिगुरु संभालदा है संभालदा भाव कि सानू जिन्हां नू सवास दिते होए ने सारियां दी संभालना वह मेरा मालिक कर रहा सारियां नू रोजी रोटी दे रहा सारियां ते कृपा कर रहा वह वाहिगुरु जिन्हां कोले आ सवास चलदे आ एक एक सवास वह मालिक साडा वेख रहा है वेखदा है इस करके सो सतगुरु जी कहिंदे ने बिरथा कोई ना जाए जे आवै तुद आहे साहबा कहिंदा भाई बेअर्थ कोई नहीं जाता है जे किते इन्हां सवासां दे नाल उस मालिक नूं असीं संभालना करिए उहदा ख्याल करिए उस मालिक नूं असीं जपना करिए ते ताते आओ साहबा ये रहमत कर दिया भी ऐ मेरे प्रभु क्योंकि मंग है इस शब्द विच भी जिहड़ा जीव तेरी शरदा दे नाल तेरे चरणा विच आउंदे ने सच्चे पातशाह तेरी संगत विच आउंदे है वो कोई भी इत्थों खाली नहीं जाता पर मन विच भावना होवे जिहड़ा भी आवे साहब दे चरणा विच ये आपां उदां भी पढ़दे हाँ भी जो भी साहब दे चरणा विच आउंदा है अड़े सो झड़े सरण परे सो तरे भी जिहड़ा सरण विच पैंदा उहदा ही पार उतारा हो जाता तो जिहड़ा अड़ियां करदा अड़दा है वह झड़ जाता वह खात्मा हो जाता इस करके साहब कहिंदे आ भाई बिरथा कोई ना जाए जे आवै तुद आहे जिहड़ा भी मालिक दी चरण सरण दे विच आउंदा है क्योंकि इत्थे आरंभता हुई है मंग कीती आ हो कृपाल स्वामी मेरे संतां संग बिहावै भी आ मेरे वाहिगुरु साडे ते कृपा करो तेरे संतां नाल तेरे प्यारियां दे नाल साडी जिंदगी जीवन लंघ जावे तेरी याद विच रहीए तुदों भुले से जम जा मर दे तैन कदे ना चूकण हावे जिहड़े तेनू भुल जांदे आ पासा ही सुनिया सी वह जन्म मरण दे गेड़ विच पै जांदे आ वह सदी भी हौंके लैंदे रहिंदे आ उहनां दे हौंके खत्म नहीं हुंदे इसे करके पासा यह सुनिया भी तेरे च समर्था बड़ी है पौड़ी विच समर्था दित्ती है मालिक दी ते सच्चे पातशाह जिहड़ी तेरे शरण विच आउंदे आ वह कोई खाली नहीं जांदे ताते आपां भी शरण अख्तियार करिए साहब दे चरणां विचों मंग करिए भी सच्चे पातशाह ये साडे ते भी बख्शिश कर दिओ तेरी संगत करदे रहीए तेरे उपदेश नूं कमाईए तेरे गुण गाईए ते असीं भी अपना सोहणा जीवन बनाईए रहमत करो साडे उपर सच्चे पातशाह भी सरनाही दा तार अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात नानक चावे हो ना भुला देखी मैं बख्शिश करनी जी इन बेनतियां प्रवान करनिया शब्द की संपूर्णता ही है अगलेरा शब्द सतगुरु कृपा करना आप कल नू सरवण करांगे कुछ क समा गुरमंत्र द्वारा सांझ पाईए प्रेम सहित सारी संगत आखना करो जी वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।